अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आमिर के फैंस जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें। मोहम्मद आमिर के हवाले से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल अली स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक की जानिब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में नजम सेठी ने PCB चेयरमैन का ओहदा संभाला है और उन्होंने चीफ सेलेक्टर शाहिद अफरीदी को मुकर्रर किया। जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी खिलाड़ियों के इम्कान बढ़ गए हैं नजम सेठी के आने से। अहमद शहजाद की भी बात की जा रही है कि उनको भी लाया जाएगा, लेकिन अब सबसे बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड में मोहम्मद आमिर को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। एक इंटरव्यू में वहाब रियाज ने भी कहा है कि हम मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में दोबारा देखेंगे। तो देखना यह है कि अब बाबर आजम इस बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहम्मद आमिर और बाबर आजम के दरमियान काफ़ी इख्तलाफात चल रहे हैं। बाबर आजम ने मोहम्मद आमिर की वजह से कराची किंग्स की टीम को भी छोड़ा है। तो अब देखना यह है कि इस फैसले पर बाबर आजम का क्या रद्द अमल आता है। दोस्तों, क्या आप मोहम्मद आमिर को पाकिस्तानी टीम में वापस देखना चाहते हैं या नहीं? अपनी कीमती राय से हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।